तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग के चैप्टर 1 और 2 का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी डिटेल में। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसे आपको अगले चैप्टर्स मिलते जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। और यहाँ तक कि अगर आप बाकी एनिमे को भी देखते हो तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है संग जिन वू, और वो एक हंटर है जिसका रैंक ई है। और हंटर्स में ई रैंक सबसे लोवेस्ट होता है, यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वीकेस्ट हंटर्स की लिस्ट में आता है। और फिर संग होता था अपना से बोल रहा होता है कि मैं एक वीक हंटर हूँ और मुझे अपने को हंटर बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ और रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही कमजोर है। और मैं जितनी बार भी डंजन्स के अंदर जाता हूँ मैं हर बार इंजर्ड होके आता हूँ, और यहाँ तक कि कभी कभार तो मैं मरते मरते भी बचता हूँ। मगर अपनी जान दांव पे लगाना हंटर्स का काम ही ऐसा होता है, और मेरी जान ये काम करने से जा सकती है तो भी मैं ये काम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे ये काम पसंद है, मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। और फिर हम आगे देखते हैं संग जिन वू कंस्ट्रक्शन साइट की ओर आ रहा होता है, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ है और इस पोर्टल के थ्रू हंटर्स डंजन्स में जाते हैं। और संग जिन वू एक ग्रुप के साथ काम करता है, और फिर संग जिन वू कहता है कि मैं हंटिंग से बड़ी मुश्किल से अपनी बीमार माँ के मेडिकल बिल्स पे कर पाता हूँ, और मुझे जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट ना होने की वजह से मुझे ये हंटिंग का काम करना पड़ता है। ऑफिस के बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बंदा कॉफी पी रहा होता है, और वहाँ पर उसका दोस्त भी आता है जिसे वो देख थोड़ा चौंक जाता है। और उसका दोस्त उसे हाय कहता है और बोलता है बहुत लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं। और जो ये बंदा होता है इसका नाम बेक होता है, और फिर कॉफी पीने वाला बंदा बोलता है बेक तुम यहाँ पर, और तुम तो हंटर नहीं बनना चाहते थे और इसलिए तुमने हमारा ग्रुप भी छोड़ दिया था। और फिर बैक कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरे यहाँ पर सेकंड चाइल्ड होने वाला है, इसलिए मुझे पैसे की जरूरत है। और फिर उसका दोस्त कहता है सही कहा, ज्यादा पैसे कमाने के लिए डंजर्स के ना जाके हंटिंग करने से आसान काम कोई और नहीं। और फिर बैक कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से डंजर्स के अंदर नहीं गया हूँ, और इतना लंबा ब्रेक लेने की वजह से मेरी स्किल्स खराब हो चुकी है और मैं सबसे पीछे ना रह जाऊँ। और फिर कॉफी पीने वाला बंदा पीछे देखता है जहाँ पर संग जिन वू आ रहा होता है, और उसे वो थैंक्स बोलता है आने के लिए, और बाकी ग्रुप के मेंबर्स भी संग जिन वू को देख के बहुत खुश होते हैं और उसे हाय हेलो बोलते हैं। और फिर कॉफी वाला बंदा संग जिन वू को कहता है कि तुमने खाना खा लिया, और फिर संग जिन वू इसके रिप्लाई में कहता है थैंक्स मिस्टर की, मेरे बारे में चिंता करने के लिए शुक्रिया। और इससे हमें कॉफी पीने वाले बंदे का नाम भी रिवील हो जाता है जिसका नाम किम है। और फिर बैक किम से पूछता है कि ये बंदा कौन है, क्या ये एक पावरफुल हंटर है, क्योंकि सब इसे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। और फिर किम हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुमने जब छोड़ दिया था तभी ये बंदा यहाँ पर आया था, और अगर मैं इसका निक नेम बताऊँ तो तुम भी हंसने लगोगे, इसका निक नेम है वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर। और फिर बैक कहता है क्या ये सच में इतना कमजोर है, और फिर किम कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हंटर्स है ये सब में से कमजोर है और इसका रैंक ई है, मगर ये ई रैंक वाले डंजन में जाके भी मार खा के आता है, ये इतना कमजोर है। और फिर बैक कहता है ओ अच्छा ऐसा ही क्या, और फिर किम कहता है अब वो हमारे को शायद सुन सकता है, चलो इस बात को यहाँ पर खत्म करते हैं। और एक्चुअली में संग जिन वू ने सारी बात सुन ली होती है, मगर वो क्या ही कर सकता है क्योंकि वो एक्चुअली में सबसे कमजोर है। और फिर संग जिन वू कॉफी बेचने वाले के पास जाता है और कॉफी मांगता है, मगर कॉफी बेचने वाला मना कर देता है, बोलता है सॉरी जस्ट अभी हाल ही सारी कॉफीज खत्म हो गई। और फिर संग जिन वू थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है आज के दिन तो बहुत ही खराब है, आज तो मुझे एक कॉफी भी नहीं मिली। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जूही होता है, और वो संग पे चिल्ला रही होती है और बोली तुम्हें चोट लगी है ना, और फिर संग जूही से पूछता है क्या तुम भी हमारे साथ डंजन में जाने वाली हो क्या। जूही रिप्लाई करती है ऑफकोर्स, मगर ये बता तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी है। संग कहता है मुझे नहीं पता मगर शायद हंटिंग के दौरान लग गई होगी। फिर जूही पूछती है अच्छा ऐसा क्या होता हंटिंग के दौरान, और फिर वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर संग जूही को सारी बात बताता है। फिर जूही सारी बात सुनेगा और बोलती क्या तुम्हें ज्यादा इंजर्ड है जिससे तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। संग कहता है हाँ मेरे के डंजन में थे मगर वहाँ पर मैं ही था जो इंजर्ड हुआ था। फिर जूही बोलती आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था। फिर संग बताता कि बाकी सभी हाई रैंक पे थे तो इसलिए वो हीलर को नहीं लेके गए थे। फिर जूही बोलती है जो भी हो मगर उनको एक हीलर लेके तो जाना ही चाहिए। फिर संग कहता है कोई बात नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं ही सबसे कमजोर हूँ। फिर संग खड़ा हो जाता है, बोलता लगता है सारे लोग रेडी हो गए डंजन के अंदर जाने के लिए, हमें भी चलना चाहिए। फिर वो सारे लोग पोर्टल के आगे जाके खड़े हो जाते हैं, और जो बंदा इस ग्रुप को लीड करने वाला होता है उसका नाम सोंग होता है। फिर मिस्टर सोंग कहते हैं मुझे कहना चाहिए या नहीं क्योंकि मैं इस चीज के लिए इतना क्वालिफाई नहीं हूँ मगर इस रेड के लिए मैं तुम्हारा लीडर हूँ। और फिर वो बाकियों से भी पूछते हैं क्या तुमको चलेगा। फिर की बोलता है मिस्टर सोंग आपका रैंक हम सभी से हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बैग भी बोलता है अगर मिस्टर सोंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया उनकी स्किल्स को देखें। और फिर बाकी ग्रुप मेंबर्स भी एग्री करने लगते हैं। और फिर संग जिन वू भी कहता है मिस्टर सोंग हमारा ध्यान रखना, और फिर मिस्टर सोंग सभी को कहते हैं अब चलो चलते हैं डंजन के अंदर, और मिस्टर सोंग संग को भी कहते हैं ट्राई करना कि इंजर्ड ना हो और हमारे पीछे ही रहना ठीक है। और फिर संग जिन वू रिप्लाई कहता है ठीक है, और फिर संग जिन वू पोर्टल में जाते हुए बोलता है आज तो मैं मेरा बेस्ट दूंगा, और फिर वो सब पोर्टल में चले जाते हैं। ऑफिस के बाद हम देखते हैं पूरे ग्रुप के चले जाने के बाद दो बंदे बाहर खड़े होते हैं जो कॉफी बेच रहे थे, और उनमें से एक दूसरे से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। और फिर दूसरा रिप्लाई करता है कि मैं संग जिन वू के बारे में थोड़ा परेशान हूं, मैं उसको आज कॉफी भी नहीं दे पाया। और फिर पहला वाला कहता है वो तो सबसे कमजोर हंटर है ई रैंक की कैटेगरी में भी, और आखिर डंजन का रैंक क्या है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि उन्होंने कहा था डी रैंक है, और वो साथ में ये भी बोलता है कि मैंने संग जिन वू को कभी भी डंजन से बिना इंजर्ड बाहर आते हुए नहीं देखा है। और फिर तीन चीजें तो हम डंजन के अंदर जाते हैं जहाँ पर जूही संग को हील कर रही होती है, क्योंकि संग को फाइट में वापस से चोट लग जाती है, और वो संग को ये भी कहती है किस तरह फाइट करने से तो
तुम्हारी जान और ज्यादा रिस्क में आ जाएगी। और हंटर का काम करने के लिए आखिर क्यों तुम इतना आड़े हो? ऑफिस के बाद हम लगते हैं बाकी के हंटर्स बाकी के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते। ऑफिस जो ही उन्हें देखे बोलती लगता है रेड ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ऑफिस के बाद वो सारे हंटर्स सारे मॉन्स्टर को मारने वाली जगह खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। ऑफिस जो ही सांजिन मुझसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है, तुम ये हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? ऑफिस संग हंसते हुए रिप्लाई करते हैं काम तो सिर्फ मैं मजे के लिए करता हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं बोरियत के कारण ही मर जाऊंगा। मगर संग मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे अपने पर्सनल रीजन तो नहीं बता सकता वरना मैं और शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऑफिस जो ही चलाता है बोलती है अब चलो हंसना बंद करो वरना तुम तुम्हारी वुंड ओपन कर लोगे। ऑफिस के बाद हम देखते हैं मिस्टर सोंग के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है और फिर हमें पता चल रहा है जब भी ये मॉन्स्टर्स को मारते हैं उनके अंदर से इनको मैजिकल कोर मिलती है। और यहाँ तक कि जो सीरेन के मॉन्स्टर्स के अंदर से जो मैजिकल कोर निकलती है वो भी 1000 के वर्थ के बराबर होती है। मगर जो भी हो सांजिन वो एक ई रैंक हंटर है उसके लिए सीरेन के मॉन्स्टर्स मारना इम्पॉसिबल है। और फिर हम देखते हैं सांजिन वो के हाथ में एक मैजिकल कोर होती है और वो अपने आप से बोल रहा होता है कि टेंजेंट होने के बाद वैसे मुझे ई रैंक का एक सिंगल मैजिकल कोर मिला है और अगर देखा जाए तो मैं अपनी जान दांव पे लगा लूं इसको अर्न करने के लिए मगर ये तो बहुत ही कम है। ऑफिस के बाद उनका एक टीममेट कहता है कि इधर आओ यहाँ पर एक और रास्ता है। फिर वो सभी वहाँ पर जाके खड़े हो जाते हैं और मिस्टर सोंग कहते हैं ये तो डबल लेयर डंजन है इसके बारे में सुना था मगर ये तो एक्चुअली में रियल है। और फिर मिस्टर सोंग एक फायरबॉल अपने हाथ में बनाते हैं और केव के अंदर फेंक देते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि केव तो काफी लंबी है। और फिर मिस्टर सोंग सभी को कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो ये गेट क्लोज नहीं होगा अगर यहाँ का बॉस जिंदा है तो, और अभी तक गेट ओपन है तो लगता है बॉस अंदर ही कहीं पर है और वो अभी भी जिंदा है और नॉर्मली तो हमारे गिल्ड से हमें कॉन्टेक्ट करना चाहिए और उनके ऑर्डर का वेट करना चाहिए मगर अगर यहाँ पर हाई रैंक हंटर्स आ गए तो हमारा लॉस हो जाएगा तो क्यों ना हम ही जाके बॉस को मार दें और सर ये मिशन थोड़ा डेंजरस हो सकता है तो क्यों ना हम वोट करें। और फिर वोट करने के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा और वोट के रिजल्ट पे डिसाइड होगा कि हमको अंदर जाना है या नहीं। और फिर सभी वोट करते हैं और उनमें से कुछ कहते हैं मुझे जाना है और कुछ कहते हैं नहीं और जो ही भी सभी को सॉरी कहते हुए अपना वोट देती है कि मैं नहीं जाना चाहती। और अभी तक 16 वोट आ चुके हैं जिसमें से 8 को जाना है और 8 को नहीं और अब सिर्फ सांजिनू का ही वोट बाकी है जिसपे डिपेंड होगा कि उनको जाना है या नहीं। और फिर मिस्टर सोंग सांजिनू से पूछते हैं तुम बताओ तुम्हारा वोट क्या है और सांग के हाथ में एक मैजिकल कोर होता है और वो सोचने लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मुझे अपनी छोटी बहन को भी कॉलेज में भेजना है और मेरी सिख मदर के मेडिकल बिल्स भी बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे पैसे की जरूरत है और इसीलिए मैं मेरी फैमिली के लिए अंदर जाऊंगा। तो अब सांजिनू भी डिसाइड कर लेता है और वोट करता है अंदर जाने के लिए और फिर वो सब रेडी हो जाते हैं अंदर जाने के लिए और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके चैप्टर्स में जल्दी लेके आऊं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करो और बाकी दूसरे एनिमे वीडियोस के लिए भी चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।